छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को लेकर मांग की गई कि किसान अपने खेत में बुआई लगा हुआ है, लेकिन यूरिया, डीएपी और बीज समय से ना मिलने पर किसान दर दर भटक रहा है। माफियाओं ने अपने गोदामों में यूरिया, डीएपी और बीज भरा हुआ है और मनमाने पैसे लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी मिल 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते गन्ना किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पिछले साल अपनी खड़ी फसल को जला दिया, जिसके चलते किसानों को आर्थिक समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। ये आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय अजयराज जी के नेतृत्व पर आह्वान पर एवं निर्देशन पर ये महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन में आज की जो मुख्य धारा है, जिसमें जो मांग है हमारी, वो कांग्रेस के उत्पीड़न से बचाने के लिए है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को के लिए मांग की है कि किसानों को इस समय जो फसल की बुवाई चल रही है, गेहूं, जौ, आलू की फसल बोने के लिए किसान तैयार खड़ा हुआ है, जिसका खेत लेट हो रहे हैं और किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। डीएपी खाद की इतनी बड़ी किल्लत है कि एक तो प्रदेश सरकार से ऊपर से ही सप्लाई कम है, दूसरी जहां सप्लाई आ भी रही है तो वो जो किस खाद के डीएपी के जो कालाबाजारी वाले जो लोग माफिया लगे हुए हैं, उन लोगों ने अपने गोदामों में और दुकानों में खाद को बंद कर रखा है। जो योगी जी जब यहाँ पर अलीगढ़ जब आते हैं अलीगढ़, तो किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने साथम हिल को खोलने का वायदा किया था कि 2 महीने के अंदर हम साथम हिल को हम खुलवा देंगे। आज तक साथम हिल नहीं खोला गया। इसके अलावा किसानों को जो है खाद नहीं दिया जा रहा है, बीज नहीं दिया जा रहा है, और बीज दिया भी जा रहा है तो बहुत ज़्यादा दामों पर दिया जा रहा है। आज किसान त्राही त्राही कर रहा है, चारों तरफ भुखमरी का कगार है। किसान खासतौर से जो अन्नदाता है, आज अगर अन्नदाता ही अगर भुखमरा हो, आज अन्नदाता ही अगर परेशान हो, आज अन्नदाता ही रो रहा हो, उसके आंखों में आंसू हो, तो आप कल्पना कीजिए।